हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैमरा सेटिंग्स की नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मेरे सामने यहां पर सोनी MC2500 नंबर कैमरा कोडर है और इस कैमरे की दो हिडन सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप जो अभी डिस्प्ले देख रहे हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम ये होती थी कि जब हम यहाँ पर इस तरीके से इस LED को जब सेट कर देते थे, तो सेट करने के बाद दोस्तों क्या प्रॉब्लम इस कैमरे के साथ में होती थी कि ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर इसमें टच हो जाती है। टच होने के कारण क्या होता था कि ये जो LCD पैनल है ये पूरा नहीं खुल पाता था। तो इसीलिए इस कैमरे में एक ऑप्शन दिया हुआ है कि जब भी आप इस तरीके से LED लगाएं, अगर आपकी जो LCD है इस कैमरे में यहाँ पर अड़ रही है, तो आपको करना क्या है कि इस वाली LCD को यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ के आपको बाहर की तरफ खींचना है। और जब आप बाहर खींचेंगे तो ये जो LCD है यहाँ पर देखिए इस तरीके से खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो ये जो अड़ने की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और आप इजीली इस डिस्प्ले को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। कई भाइयों की प्रॉब्लम भी ये होती थी कि डिस्प्ले यहाँ पर पास होने के कारण गर्दन तक दर्द करने लग जाती थी, तो इसीलिए इसमें ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। आप इसको यहाँ पर जितना चाहे एडजस्ट कर सकते हैं अंदर बाहर। तो पहली सेटिंग तो इसमें ये थी दोस्तों, और दूसरी हिडन सेटिंग्स ये है कि आपको अगर यहाँ पर व्यू फाइंडर में धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसको हम सही कैसे करेंगे, तो ये भी एक हिडन बटन यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। जैसे हम इस ग्रिप को यहाँ पर खोलेंगे तो देखिए दोस्तों, इसमें एक बटन यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, इस बटन को जैसे हम घुमाएंगे तो इसकी जो डिस्प्ले है हमें क्लियर नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी हिडन सेटिंग इसमें ये दी हुई है। तो दोस्तों, इस कैमरे में दो हिडन सेटिंग्स थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी ऐसी ही नई सेटिंग्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।